साहिल ब्लॉग। सो टाइटल से आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साहिल? अभी फिलहाल लेक पे जा रहे हैं, एयरफोर्स डे प्रैक्टिस है आज। तो मैं बताती हूँ बेसिकली क्या एयरफोर्स डे है। 6th और 8th को चंडीगढ़ होस्ट कर रहा है इस बार। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने वीडियो देखी थी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इस बार इन लोगों ने चंडीगढ़ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। पहले हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं साहिल? हम जा रहे हैं डीटी मॉल के पास, होटल ललित की साइड पे जो पार्किंग है वहां पे जा रहे हैं। वहां से शटल बसेस उठाएंगी हमें और वो हमें लेक पे ड्रॉप करेंगी पिक करके। एंड काफी जल्दी पिकअप टाइम रखा हुआ है ऑन 3:30 पे प्रोबेबली ये एयर शो शुरू होएगा। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। वैसे तो मैं डेली देख रहा हूँ छत पे खड़ा होके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। वहां पे जाके अब देखेंगे और मजा आएगा। तो हमें जो ये हमने किया है ये ऑनलाइन किया है सारा पोर्टल, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने वीडियो देख ली थी बहुत ही मेस क्रिएट हुआ था, तो इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है। हमें जो स्लॉट मिला है वो 11 से 12 बजे का मिला है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। हम आधे घंटे में, मतलब 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहां पे। एंड जो शो स्टार्ट है वो 3:30 स्टार्ट है ना साहिल? यस 3:30। मतलब सोचो 3:30 शो स्टार्ट है एंड हम 11:30 बजे जा रहे हैं। एंड सुबह आज है 6th ऑफ अक्टूबर, साहिल सुबह गए थे शो देखने के लिए एंड इसके स्पेशली पास मिले थे साहिल को। एंड ये साहिल अकेले गए थे देखने के लिए, मैं नहीं गई थी। साहिल कितने बजे गए थे हम सुबह मॉर्निंग में? 7:30। क्या हुआ एग्जैक्टली? बेसिक परेड था, एयरफोर्स डे फुल ड्रेस रिहर्सल था और 6th को जो फुल ड्रेस रिहर्सल दैट इज टुडे, और अब 8th को प्रॉपर होगा परेड जो होता है, और 8th का भी है मेरे पास साहिल के पास, वो भी एक ही है। मेरा एयरफोर्स डे परेड ऑन 8th एक ही है, दिल एडमिट वन, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊंगा वहां पे। और ये मेरे ये ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, साहिल को मिले हैं किसी के थ्रू। किसके थ्रू मिले? एज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज इन द एयरफोर्स, तो उनके थ्रू मिले। साहिल सुबह भी परेड देख के आए हैं, 8 o'clock गए थे एंड अभी आए हैं 11 बजे। एंड फटाफट हम रेडी होके, मैं इस बार 11:30 बजे हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे आपको अपडेट देते हैं कैसा रहा। सो स्टे ट्यून। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, 11 से 12 का स्लॉट था, टाइम देख लो 12 बजे। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी है, हमने इधर खड़ी करनी है कार। अभी देखो ये ग्रीन जो बसेस जा रही है ये शटल है, आपको यहाँ कार पार्क करनी है एंड यहाँ से शटल आपको लेके जाएगी। आगे देखते हैं चलो हम कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं। ये नहीं लगानी पार्किंग, एंट्री तो हमने करा ली है यार। इस बार अच्छी खासी सिक्योरिटी, अच्छा खासा इन्होंने अरेंजमेंट किया है ना साहिल? एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल ही पिछली बार की मैं वीडियो, अगर मैं इस मुझे मिली ना तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। वो वीडियो देख के तो बहुत ही अजीब लग रहा था, इतना ज़्यादा रश, बट अभी बिल्कुल ही आराम से हम जा रहे हैं। सुखना लेक पे इन लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए, मतलब ये देखो सुखना लेक कितनी खाली लग रही है। जब पिछली बार हुआ था शो तब रश देखा था, पर आप देख लो फुल बैरिकेड्स लगा रखे हैं। सो इट ऑलमोस्ट 2:30, हम 12:30 बजे के आए हुए एंड 2 घंटे हमें हो गए हैं। एंड साहिल 2 घंटे आपको वेट करके कैसा लगा? गुड। मैं आपको रश दिखाती हूँ, पहले जो हम आए थे ना बिल्कुल ही खाली था, मैंने आपको शूट करा था, अब मैं आपको दिखाती हूँ रश। आप अब रश देखोगे ना, मतलब अभी शो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लोग आगे एक एक को देख के पता नहीं 1000 लोग आगे बढ़ गए, तो हम तो अपना आराम से खड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना रश है।
पता चल रहा था फाइनली हम लोग बाहर आ गए। कैसा रहा साहिल आपका एक्सपीरियंस? मजा आया, बहुत मजा आया। क्राउड बहुत ज्यादा करनी पड़ी बट वैसे इट वाज गुड, मजा आया। हम 12:30 पहुंच गए थे एंड शो स्टार्ट हुआ था 3:00।
है ना, बज रहे हैं 6 है ना, हम बस का वेट कर रहे हैं। स्टिल शटल तो जा चुकी है, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ क्राउड कितना ज़्यादा है। मतलब ये इतनी सारी जनता अभी क्या शटल का वेट कर रही है, क्योंकि पहले जो बसेस थी वो पूरी फुल होकर जा चुकी है। तो हमने सोचा 15 मिनट वेट कर लेते हैं फिर जाएंगे। मुझे लग रहा है किसी तरह ठूस के ना घुसे जाते हैं। पहले ना मुझे भी अब यही लग रहा है, पहले हमें थोड़ी सी ना जगह मिल रही थी एक्चुअल में, मतलब हम 2 जने खड़े हो सकते हैं शटल में, बट हम सोचा नहीं यार हम भी कंफर्ट लेवल लेके आराम से सीट पे बैठ के जाएंगे। और इस बात को 20 मिनट हो गए हैं, स्टिल मुझे लगता है 15-20 मिनट और लगेंगे। और भूख गंदे वाली लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह के कितने में निकले थे साहब? 11:30 और अब बज रहे हैं 6, हमने कुछ भी नहीं खाया। साहिल तो इवन मॉर्निंग में भी गए थे, उस टाइम भी कुछ नहीं खाया। कोई नहीं, परसों भी आएंगे 8 को। आ गई शटल, आ गई। चलो पहली शटल आई और हमने सोचा हम इसमें जाएंगे। बड़ा भी देख रहे हो लोग, ये हमें जाने देंगे साहिल? हैं ये जाने देंगे? बहुत ज़्यादा भीड़ है, आ जाओ। वही शटल आ गई है और रश देखो, हम इसमें भी नहीं चढ़ पाए। बोला भी नहीं जा रहा। सो फाइनली हम लोग आ गए अपनी गाड़ी में। इतने धक्के खाने के बाद मेरे ख्याल से जिस पार्किंग में हमारी थी गाड़ी वहाँ उसमें 10 शटल थी, एंड हमने मेरे ख्याल से 4th नंबर में हमारा नंबर आया, और ऐसे वो भी धक्के खाने का। चलो इन दी एंड फाइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आपको ये क्लिप्स बहुत अच्छे अच्छे पसंद आए होंगे। हमने बहुत ट्राई किया बहुत अच्छे क्लिप्स लें। सो मिलूंगी जल्दी व्लॉग में नेक्स्ट में आपसे। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, साहिल बाय।